Before starting today's video, I just want you all to show this and thanks a lot for it. चैप्टर 6 का नाम है गन शन म्यूबिल। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दस प्रॉब्लम ऑर्डिनन जी दी जेथ सू। तो इसके अंदर हमें ये सेंटेंसेस यहाँ पे पढ़ने हैं और जो सेंटेंसेस पिक्चर के साथ मैच करते हैं उसको हमें मार्क करना है। तो आप यहाँ से मार्क कर सकते हो एंड देन मैं नीचे सेंटेंसेस के मीनिंग बता देती हूँ। सो फर्स्ट सेंटेंस है देयर मोटर मार्क प्रॉब्लम है, मीन्स मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है। सेकेंड है लुकास मोस एंड देयर रोटन आर्म फेल वाटन, मीन्स लुकास उसको अब काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा। सेकेंड है यहाँ पे लुकास फिंडेट काइना पार्क प्लाट्स, लुकास को कोई भी पार्किंग एरिया नहीं मिल रहा। नेक्स्ट है देयर राइफन इज कापुट, मीन्स टायर्स जो हैं वो पंचर हो गए। नेक्स्ट है दी पोलिसाई कंट्रोल यर एट लुकास, मीन्स पुलिस कंट्रोल कर रही है लुकास को ये रहा इस फिफ्थ पिक्चर में। क्या नेक्स्ट है लुकास स्टेडियम स्टाउ, लुकास ट्रैफिक जैम के अंदर फंस चुका है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर जिनके पास सीडी है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये भी लिसनिंग स्किल है, इसके अंदर बस एक बात ध्यान रखना कि जो भी ये कर रहे हैं तो यहाँ पे फेरकेर मिटल इसके अंदर सिर्फ एसबान आएगा और फोर्थ टाइलर इसके अंदर प्रैक्टिस उन्ट काइन स्टाउ ये दो आएंगे। ये गलती से मैंने ऊपर लिख दिया था, ये सेकेंड बॉक्स में आएंगे, बाकी सब सही है। तो आप वीडियो पॉज करके इसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज के अंदर भी क्वेश्चन है वास पास्ट ऑर्डिनेंस सी सू श्राइबन सी ये वाइल आइना बाइस्पील जाट्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले मैच करना है एंड देन उसके इससे कुछ सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो पहला है आइन फा काट और उसके साथ कौन सा मैच हो रहा है दीपाट काउफन। तो इसका सेंटेंस ऑलरेडी कोने में इश काउफे इम फाकट काट फ्यूर दिन गांस एंड मनाते, मीन्स मैं हमेशा हर मंथ के लिए फारकाटर ट्रैवल टिकट्स ऑलरेडी खरीद लेता हूँ। नेक्स्ट है सूश पेट, इसका है ई कॉमन। तो इसका सेंटेंस बन सकता है इश कॉम सकता है इश कॉमन हॉटर शूज पेट ना खाउजर, मीन्स आज मैं घर लेट आया। इसी तरह आप और कोई भी सेंटेंस बना सकते हो इन वर्ड्स को कंबाइन करके। नेक्स्ट है देयर अनस्लोश और इसके साथ एफ मैच हो रहा है फर पासन, मीन्स कनेक्शन टूट गया आपस में। तो ये कनेक्शन लोगों के बीच भी टूट सकता है या नेटवर्क कनेक्शन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप क्या सेंटेंस बना रहे हो। तो इस सेंटेंस का एग्जांपल है दे आर सो हाटे फर्श पे टुंग उन यत साबे इश्टेन अनस्लोश फर पास्ट। उसके नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ पार्ट है दास फाघाट, इसके साथ मैच होगा नेमन। तो इसका सेंटेंस है इश व्याद है आई ना रोट फागत नेमन, मीन्स मेरे को एक रेड फागत खरीदना है। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है सूफुस, इसके साथ मैच हो रहा है गेहन। इसका सेंटेंस है इश गे है सूफुस सुर शुला। उसके बाद सिक्स्थ है इमस्टाओ, इसका है ए पार्ट स्टेहन इमस्टाओ स्टेहन। तो इसका सेंटेंस है माइन ब्रूडर हार्ट स्ट्रेट इमस्टाओ फ्योर आई ना स्टूडो। ये सैम्पल सेंटेंसेज है, आप चाहो तो इनके अलावा कुछ और भी बना सकते हो जो आपको इजी लगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट पिक्चर के अंदर वुमेन क्या क्वेश्चन कर सकती है, सबसे पहले उसने क्वेश्चन किया वॉज कॉस्ट द टाइन ऑफ आ खाट ना क्योल, मीन्स कॉलीग ने जगह का नाम है वहाँ पे जाने के लिए टिकट की कितनी कॉस्ट है। उसके अलावा उसका क्या क्वेश्चन हो सकता है वो फाट दुक अब, मीन्स ट्रेन कब तक आएगी। सेकेंड अब पिक्चर बी के अंदर क्या क्वेश्चन हो सकता है किंट का यानी बच्चे का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो कान इश आइन आइस काउफन, मेरे को एक आइसक्रीम कहाँ से मिल सकती है या मैं आइसक्रीम कहाँ से ख़रीद सकता हूँ। नेक्स्ट है वी लॉन्ग म्यूसन वियर नॉक वाटन, मीन्स कितना लंबा और हमें वेट करना पड़ेगा। सिमिलरली थर्ड पिक्चर के अंदर दे आर मान ऑफ पिल्थ्राए, तो उसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या होगा वन फ्याट देयर नेक्स्ट सोक ना क्योल, मीन्स क्योल की जो नेक्स्ट ट्रेन है वो कब आएगी। एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है वी लांगे डावर टी फाक्ट, मतलब ये कि मेरा जो ट्रेवल है वो कितने लंबे ड्यूरेशन का होगा, मीन्स वो सिंपली पूछना चाहते हैं कितने घंटे लगेंगे मुझे पहुंचने में। अब बी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन के अंदर जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन बनाया है उसका इनडायरेक्ट फ्रागर बनाना है।
तो इनडायरेक्ट फ्रॉग हम कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फ्राओ म्योस्टर विसन मीन्स फ्राओ पूछना चाहती है, देन कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम अपना वर्ड वी वन जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है वो यूज़ करते हैं, एंड देन जो भी सेंटेंस है उसका मेन वर्ब एंड पे कर देते हैं। तो हमारा क्या क्वेश्चन बना, दी फ्राओ म्योस्टर विसन वन देयर सोक ना क्यों फ्यात। सिमिलरली नेक्स्ट किंट का एग्जाम्पल देखते हैं, दास किंट फ्राक्ट मीन्स किंट ने पूछा वो एस आइन आइस काउफन कान, इसका मतलब यह है कि वो आइसक्रीम कहाँ से खरीद सकता है। तो ये हमने कैसे बनाया, पहले लिखा दास किंट फ्राक्ट, ये मेन हमने लिखा, देन कॉमा, देन हमने अपना क्वेश्चन वर्ड लिखा वो, और हमारा मेन वर्ब क्या है, जब भी मोडाल वर्ब सेंटेंस में होता है तो मोडाल वर्ब ही मेन वर्ब की पोजीशन ले लेता है, यानी कि मोडाल वर्ब इस टाइम एंड पे गया, तो काउफन कान। सिमिलरली नेक्स्ट है दे मान म्योस्टन विसन मीन्स मान पूछना चाहता है वन दे नेक्स्ट सूख ना क्योल फ्याट। आई होप सो इसका स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा आपको। फिर किंट का एक और एग्जाम्पल है, दास किन म्योस्टन विसन मीन्स किन बच्चा पूछना चाहता है वी लांगे जिनोक फाटन म्यूसन मीन्स कितना लंबा उसे वेट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड पहले आया वी एंड देन म्यूसन जो हमारा मोडाल वर्ब था वो एंड पे चला गया। नेक्स्ट है दिया मान फ्रैक्ट मीन्स मान ने पूछा वी लांगे दी फाट डावट, पे डावट हमारा मेन वर्ड था वो एंड पे चला गया। आई होप सो आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया हो। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करनी है हमें, ये वैसे तो ग्रुप एक्टिविटी है लेकिन हम खुद भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंस इससे हमारे अच्छे हो पाएंगे। जैसे पहला है म्योस्टर ज्ञान विसन मीन्स आई वुड लाइक टू नो, मैं ये पता करना चाहूँगा। एग्जाम्पल है वास उन्ज मोटर इन आबन लेसन कॉक्ट, इसका मतलब यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आज हमारी मदर खाने में शाम को क्या बना रही है। तो ऐसे ही आप और भी सेंटेंसेज इसका बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, कांस टू मिया जागन, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो माइंड बुक इस्ट, मेरी बुक किधर है। सिमिलरली आप बाकी क्वेश्चंस भी दे सकते हो, वीश पेट इस टेस, इसके अंदर टाइम पूछते हैं। नेक्स्ट है वो इस थी नेक्स्ट है बुश आल्टेस टेलर मीन्स नेक्स्ट बस स्टॉप कौन सा है। नेक्स्ट है वन फ्याद देयर नेक्स्ट बुश अप नेक्स्ट बस कब आ रही है। वो कान इश बुक फा कार्टन काउफन मीन्स मैं बस की टिकट्स कहाँ से खरीद सकता हूँ। नेक्स्ट वी फील कॉस्टेड आई नो ना बुस फा कार्टन मीन्स एक बस के टिकट का कॉस्ट कितना है। नेक्स्ट है यहाँ पे वी लांगे डावर दी फाक फॉर देयर स्प्राक शू लॉ बी सुम बानहॉफ मीन्स, इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज स्कूल से बानहॉफ यानी कि रेलवे स्टेशन तक कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट है वो कान इश आई नो फाक प्लान बे कॉमन मीन्स कहाँ से मैं ट्रेवल प्लान देख सकता हूँ जहाँ पे टाइमिंग्स लिखी हो कि कौन सा ट्रेन या कौन सा बस कब आता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेसन इज द ईमेल वेल्श बिल्डर पर्सन हु वेल्श टेक्सटाइल है, इसके अंदर हमें रीड करना है ईमेल एंड देन बताना है कि कौन से पिक्चर कौन से टेक्स्ट के साथ मैच हो रही है। तो पहले हम ईमेल पढ़ते हैं। ईमेल के अंदर हेलो जीना, जीना को आंटी ईमेल करता है और उसके अंदर बताता है स्टेले डियर फोन में, अच्छा तुम्हें एक बात बताता हूँ कि कल मेरे साथ एक बहुत स्टूपिड चीज़ हुई। लेना हालबन यार है यानी कि 6 महीने से अपने कंट्री में रहती है जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो मैंने सोचा कि फाइनली चलो उससे मिल के आते हैं। तो ये उसने जो सोचा वो थर्ड पिक्चर के साथ मैच हो रहा है ये रहा। उसके नेक्स्ट उसने बताया कि वैसे रास्ता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैंने सोचा काई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, इश के डाक्ट मीन्स मैंने सोचा। उसके बाद ये कह रहा है कि मैंने सोचा कि मेरे पास 3 हफ्ते पहले एक नया नावी यानी नेविगेशन सिस्टम आया तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये फर्स्ट पिक्चर के साथ मैच हो रहा है ये रहा। उसके बाद देन क्या होता है, स्टार्टिंग में तो इसका बहुत अच्छा गया कि आराम से वो जा रहा था लेकिन एक पॉइंट पे इट एर गेंड वन इट मीन्स एट सम पॉइंट क्या हुआ कि स्ट्रीट जो है वो छोटी होती चली गई और एकदम पतली पतली स्ट्रीट होती चली गई और उसने नेचुरली सोचा कि ये नेविगेशन सिस्टम मुझसे ज़्यादा उसको पता है तो ये गलत तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद वो फाइनली आगे जाता गया और वो जाते जाते फॉरेस्ट में पहुंच गया। उसके बाद उसने सोचा क्या सच में ऐसा रास्ता है, बट उसने सोचा नहीं ये नेविगेशन सिस्टम बता रहा है तो सही हो भी सकता है, तो बस वो उस पर चलता गया।
उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ से वो आगे जा ही नहीं सकता था, मतलब रास्ता बंद हो गया था। क्या उसने क्या किया, लेना को कॉल किया, उसका सिचुएशन एरकेल्ट यानी एक्सप्लेन किया और उसके बाद उससे पूछा कि क्या उसकी कोई हेल्प कर सकती है लेना आके। टीना ने अपने नेबर को सेंड किया कि वो जाके जंगल से आंटी को लेके आया। उसके बाद ये बताता है जो पाइनलेश मीन सो एम्बेरसिंग और कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं नेविगेशन के भरोसे नहीं जाऊँगा, एक मैप भी लेके जाऊँगा। आइनल आंट काटा मीन्स मैप, उसके बाद फील और ग्रूजा आंधी। तो मतलब ये अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है वास फ्रागनजी लॉटर एर्गेंजनजी दी डायलॉग। इसके अंदर हमें ये डायलॉग्स पढ़ के पूरे करने हैं। इश बिन गेश पांट ऑफ वियर रश साइटिश अनकॉमन। मैं वंडर कर रहा था कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्या दूसरा रिप्लाई करता है इश क्लाउ पिनिस्ट एस इश श्योन कुछ फोर सॉय। ये कह रहा है कि मेरे को तो नहीं लगता ऐसा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अब दो बजने वाले हैं। द अनकॉमन वी आर या फील शूज पेट। उसके बाद अगेन रिप्लाई आता है कि हाँ मेरे हिसाब से हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। उसके बाद सेकेंड कन्वर्सेशन है मिस्ड मीन्स मीन्स क्रैप। इश फ्रागे मिश मैंने खुद से पूछा ऑफ दास द आइनर आधार कैमरा वार, क्या वो एक स्पीड कैमरा है। नटूरलिश दास वी आर टॉयर वाको मूस टू आउक इमर जो स्नेल फाकन। मीन्स ये कह रहा है ऑफकोर्स ये बहुत एक्सपेंसिव है और तुम इतनी जल्दी क्यों ट्रेवल करना चाहते हो। उसके नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है वाइज टू तुम्हें पता है ओब एस हेयर इन द नेहा आइना टांगस्टेलो, क्या तुम्हें पता है कि आसपास यहाँ कौन सा टैंक स्टेशन है। ओ नाइन हाज टू वीदर निश्ट के टांगट। ओ नो क्या तुमने दोबारा अपना टंकी फुल नहीं करवाई थी गाड़ी की। इश हब एस फर्गेसन मैं इसे भूल गया था। वाइस टू क्या तुम्हें पता है ऑफ दास देयर रिस्टिश वेगिस, क्या ये सही रास्ता भी है या नहीं। इश क्लाउबेनिस्ट मेरे को नहीं पता। मार्क टॉल माल दास नावियन मेरे ख्याल से अब मुझे नेविगेशन सिस्टम ऑन करना चाहिए। तो ये एक कन्वर्सेशन है, इसके अंदर यही आंसर्स है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन सेवेंथ ए के अंदर है नाक हाउस ऑफ फागन वाज जाग देयर फादर श्राइबन जीवन योकन जी सूर कंट्रोलर। ये लिसनिंग स्किल का क्वेश्चन है, तो जो सीडी से करना चाहते हैं वो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट के अंदर हमें ऑप वो फील जो भी यहाँ पे नीचे ऑप्शंस है वो फिल करना है। तो पहला है फ्याज टू हम वोखन एंड मिट नाक पोन, क्या तुम इस वीकेंड बोन जगह है वहाँ पे जा रहे हो। इश वाइज नॉक नेस्ट मेरे को नहीं पता ओब इश साइट हब मेरे पास टाइम होगा कि नहीं। हब यश यन एंड शीडन क्या तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। ओब यह मिड डेम आउट हो ओडर मिड डेम सुख फात मीन तुम या तो कार के साथ जा रहे हो या ट्रेन के साथ, ये तुमने डिसाइड किया या नहीं। या वी आर फाकन मिट माइनम ऑटो यस मैं अपने कार से जा रहा हूँ। उंड विस्ट ईयर क्या तुम्हें पता है वो ईयर श्लाफन वॉल्ट की, वेयर कैन वी स्लीप हम कहाँ सो सकते हैं। या इश कैन आइन गियोंस्टिगिश होटल, इसका मतलब यह है कि हाँ मेरे को एक चीप कम रेट वाला होटल पता है। उंड वाइस टू क्या तुम्हें पता है वी फील आइन एन आफ्टर डॉट कॉस्ट मीन्स एक नाइट का कितना कॉस्ट लगेगा। फिल्म स्टिश ऑयरो प्रो पैजोन मीन्स 50 ऑयरो लगेंगे पर पर्सन। वाइस टू क्या तुम्हें पता है ओब एस आउफ देयर आटो बान फीला बाउस टेलर गिफ्ट मीन्स क्या तुम्हें पता है कि रास्ते से जाते हुए कितने स्टॉप्स या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स वहाँ पे आएंगे। इस नेक्स्ट क्या है तो रिप्लाई आता है नहीं मेरे को नहीं पता। अबर माइनर नेवी वाइस लेकिन मेरे नेविगेशन सिस्टम को पता है वो बाउस टेलन जिन मीन्स कितने कंस्ट्रक्शन साइट्स या कितने स्टॉप्स हैं। वाटे माल कुर्स वेट अ मिनट ऑन कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर हमें ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस के अंदर जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है वो फिल करने हैं कि कौन सा वर्ड किसके साथ मैच होता है यानी उस कैटेगरी से मिलता जुलता है। तो आप वीडियो पॉज करके ये फिल कर सकते हो, मैं ऊपर के मीनिंग समझा देती हूँ। दास के एफ जे एक टाइप ऑफ कार है, ये फुल फॉर्म है क्राफ्ट फाग सॉइक। नेक्स्ट है देयर अफ्लोग मीन्स डिपार्चर जाना, देयर गाराज मीन्स गैरेज, देयर पे के वे ये भी एक कार का नाम है, उसकी फुल फॉर्म है पैजोन क्राफ्ट वागन। उसके बाद नेक्स्ट है देयर वागन मीन्स कार, दी फर्जी श्रूम मीन्स इंश्योरेंस,
नेक्स्ट है दी कैनोनाइजेशन मीन्स लाइसेंस प्लेट, नेक्स्ट है फ्लीगन मीन्स टेक ऑफ, नेक्स्ट है यहाँ पर रुकव्याज फागन मीन्स उल्टी डायरेक्शन में गाड़ी चलाना। इसका एग्जांपल देते हो, जैसे हम कभी पार्किंग एरिया पे जा रहे हो या हमने रॉन्ग वे सेलेक्ट कर लिया तो क्या होता है, हमें गाड़ी वापस बैक लेनी पड़ती है थोड़ी सी, तो जो हम बैक लेते हैं उस वक्त हम उल्टा ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उसी को कहते हैं रुकव्याज फागन। नेक्स्ट है ब्रेमजिम मीन्स ब्रेक, नेक्स्ट है दी रापा टूअर मीन्स रिपेयरियरन मीन्स रिपेयर करना, लांटन मीन्स लैंड, या मोटर मीन्स मोटर, टंकन मीन्स रिफ्यूल करना, टंकी दोबारा भरना। नेक्स्ट यहाँ पर दी पाते अर्गेंसन समिट वॉटन इन अवकाबर सीबन से, इसके अंदर 7 ये रहे वर्ड्स, तो नीचे हमें यही वर्ड्स भरने। तो इसके अंदर पहला है माइन आर्ट ऑफ फाट नेस्ट, मेरी कार काम नहीं कर रही, इश क्लाउब है दिया मोटर इस कापुट, मेरे को लगता है कि इसका मोटर ख़राब हो गया। दी रापा टूअर वियर बेस्टिम टॉयर मीन्स इसकी रिपेयरिंग अब काफ़ी महंगी होने वाली है। इश कहना आई नो गुट वेक्सटेट, मेरे को एक अच्छा स्टेशन पता है जहाँ पे ये रिपेयर अच्छे से हो जाएगी। दी हैबन द माइन आउट आउट कंसनल रिपेयर एट मीन्स वहाँ पे मेरी गाड़ी साथ में बहुत जल्दी भी रिपेयर हो जाएगी। दे फ्लुक टावर ये लॉन्गर फन जिन वियर एंड लिता, इसका मतलब ये है कि जो एरोप्लेन के अंदर ट्रेवल है वो काफ़ी लंबा हो रहा है, फाइनली हम कब पहुँचेंगे। ग्लाइश फियर लांटन इन आइना फियर टल स्टूडर, इसका मतलब यह है कि मे बी हम 15 के अंदर लैंड कर ले। उन्ड वासिस्ट वन एशी मुरला आइना उम्फाल हैब, इस लाइन का मतलब यह है कि अच्छा और वट अबाउट अगर वहाँ पे वेकेशंस पे मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया ना, या नॉर्मल वाइज है बेथ साल्ट दास दी फर्ज शरूम मीन्स अगर हो भी गया तो वैसे भी जो भी इसकी पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी वाले ही करेंगे। द हिंटन इज आइना पार्क प्लाट्स, यहाँ पे पीछे एक पार्किंग एरिया है। द मुसमान अबर रुक व्याज फागन दस कान इश नेजो गुड, इसका मतलब यह है कि पार्क प्लाट्स तो यहाँ मिल गया लेकिन बैकवर्ड ड्राइव करना होगा और मैं बैकवर्ड ड्राइव करने में इतना अच्छा नहीं हूँ। ओके द जूखन वी है वाइटन, ओके देन अगर बैक नहीं कर सकते तो आगे ही देखो कंटिन्यू। वास डू हटे आइनो फॉल, क्या तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ। वास इज देन पासियर मीन्स हुआ क्या ना, या प्लस लिशा इज टाइना आउट ऑफ ऑन रेस्ट के कॉमन ऑन इश क्यूंटन इज ओ स्नेल ब्रेमजेम आबे सुम ग्लुक इस नीबान फर्लेट्स, उसका मतलब यह है कि सडनली एक राइट हैंड साइड से ऑटो आया और मेरा ब्रेक में स्पीड में लगा नहीं पाया तो इस वजह से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये अच्छी बात है कि लकली उसके अंदर कोई भी हर्ट नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 8 क्वेश्चन के अंदर हमें ये रास्ता बताना है, तो रास्ता ये रहा, मैंने पेन से मार्क कर रखा है, पहले यहाँ से गए उसके बाद देन यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए गए, उसके बाद ये सीधा सीधा जाते जाते हम इधर पहुँच गए, ये पेन से यहाँ मार्क कर रखा है, आई होप सो आपको दिख जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बस यही मार्क करना है। नेक्स्ट बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर हमें ये प्लान देखना है और उसी के हिसाब से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये रहा, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। जी फोन दे उबान बेस सुर बाउस्टेला गेहन जी रेस्ट अन दे बाउस्टेला फोर बाय बेस सुम वेक गेहन जी दान लिंक्स उन्ड टुर्क तेन पार्क नाग तेम पार्क गेहन जी लिंक्स उन दान दी नेक्स्ट स्ट्रासा वीडर लिंक्स दस इज दी पोस्ट। तो ये पूरा हो गया रास्ता पोस्ट तक पहुँचने के लिए। क्या सी पार्ट है, सी पार्ट के अंदर ये जो भी बिल्ली कर रही है इसको हमें एक स्टोरी के फॉर्म में लिखना है, तो इसका ये रहा आंसर है। दी काट से गेट एम फेंस्टर एंड लॉन्ग डांस पाथ सी अर्थ जी एम कूल श्रांक फोर बाय जी गेट उम देन कूल श्रांक आंक हैरूम उन जिट्स जिश गेगेन यूबर फोम कूल श्रांक फुल स्टॉप एम श्लोश स्प्रिंक्ट जी आउफ देन कूल श्रांक, आई होप सो ये आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये डी पार्ट और नाइन्थ का ये पार्ट ये सब लिसनिंग स्किल और एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो इसलिए हम सीधे हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। सी पार्ट पे यहाँ पे हमें सेंटेंस लिखने हैं और जो भी नाइन्थ एक क्वेश्चन के अंदर वर्ड्स यूज हुए उनकी हेल्प लेके करना है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है नाक तेया फ्यूअर शाइन प्रूफ होंग हाबे इज जो फोर्ट आइन आउट ओ गेकाउफ्ट फुल स्टॉप
am verkaten, Schelte habe ich eine Zugfahrkarte gekauft. Full stop. Die Radarkamera hat drei Personen Kraftwagen fotografiert. तो ये पूरा सेंटेंस है. उसके बाद 10th क्वेश्चन के अंदर है कि वेलचे अनसीगा इज फ्यूर वेन इंटरेसांट ऑर्डिनेंसेज एन अनसीका फ्लाइट यूब्रिक. तो इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा एडवर्टीजमेंट यहाँ पे है, किसके साथ सूट करता है, एंड देन मैच करना है. तो पहला है मीरा विल आइन वोकन एंड इन बर्लिन फॉर ब्रिंगन द राइजर मिथ दैम सो इस ईयर सू टॉयर अब जी हाथ काइन आउट. इसका मतलब ये है कि मीरा अपना वीकेंड स्पेंड करना चाहती है बर्लिन के अंदर, और जो ट्रेन से उसका ट्रैवल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसके पास खुद की कोई कार नहीं है. तो ये डी एडवर्टीजमेंट के साथ मैच करेगी. पार्ट के अंदर है हिल्फ्ट इन साइट ट्यूबर फ्यूनसेन याखा बाय देयर जूखर नाक मिटफाग लेगन हाइटन. इसका मतलब ये है कि हम कार पुलिंग में हेल्प करते हैं टोटल 15 सालों से, और अभी तक 7 मिलियन कस्टमर्स हमारे इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल पा रहे हैं. और नुत्सन आउक जी देन सर्विस मीन्स यूज़ आवर सर्विसेज एट मिक फागन जेंट्राल पोंट डे, ये वेबसाइट है इनकी. एंड स्पारन जी गेल्ड एंड सेव योर मनी. तो ये एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं कार पूलिंग के ऊपर. इसके अंदर है आइना फ्रॉइंडन हार्ट के बूथ सागुन जी म्योस्टन जी यूबराशन जी इज कैन मिट फ्रॉइंड द्राउजन उन जी फ्यात कान ज्ञान रात. इसका मतलब यह है कि एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे है और वो अपनी फ्रेंड को सरप्राइज़ देना चाहती है, और उसकी फ्रेंड को बाहर दोस्तों के साथ जाना, बाइक पे ट्रैवल करना, ये सब बहुत पसंद है. तो इसके साथ हमारा मैच हो रहा है एडवर्टीजमेंट ई. तो ई पार्ट हमारा ये रहा मीटन जी उन्जर कॉन्फ्रेंस बाइक. इसके अंदर अपनी कॉन्फ्रेंस बाइक रेंट पे ले सकते हो. माकन जी सुजामन मिस जैश फ्रॉइंडन और द कोलिगन इन आइन ऑफ फागाद हाउस फ्लोग आउ फाइन ऑफ फागाद. मतलब कि एक ट्रैवल कर सकते हो बाइक पे 6 दोस्तों के साथ या कोलिग्स के साथ. जिजिटसन इम क्राइस उन राडलन वी अम कॉन्फ्रेंस टिश. इसका मतलब ये है कि जो इसमें सीट बैठने की सीट है वो एक सर्कल टेबल में है, और राडलन मीन्स साइकिल की तरह है, जैसे कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठे हैं वैसे गोल गोल डायरेक्शन में सब बैठे हैं. एंड अ टीम लाइटर लेंक्ड उन ब्रेम्स तासराद मीन्स जो उस साइकिल पे बैठे हुए लोगों में से टीम लीडर होगा उसके पास स्टीयरिंग और ब्रेक्स होंगे. तो मतलब काफ़ी अलग और मज़ेदार सा है. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. इसके अंदर है नीना हाउस बर्लिन मार्क्ट एन प्रैक्टिकम इन म्यूनशन इन बर्लिन मार्क जी आलिस मिट दे फागाद आउक इन म्यूनशन विल जी म्यूबिल जाइन. नीना जो कि बर्लिन से है वो एक इंटर्नशिप कर रही है, म्यूनशन जगह है वहाँ पे बर्लिन के अंदर. वहाँ पे हर चीज़ वो अपने बाइक से ही किया करती थी, और म्यूनशन के अंदर भी वो ऐसे ही अपना ट्रांसपोर्ट खुद करती है. तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, ए के साथ. तो ये एडवर्टीजमेंट है देयर स्नेलर वेग टू द स्टार्ट फास्टेस्ट रास्ता स्ट्रीट का जी म्यूस्टन इन देयर स्टार्ट फ्लेक्सिबल उन म्यूबिल जाइन. कि क्या आप इजीली ट्रांसपोर्ट से फ्लेक्सिबली अपने टाइम के हिसाब से ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं. काइंड प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम दी रैदर फोन कॉल अ बाइक मीन्स एक कॉल कीजिए. कॉल अ बाइक कंपनी का नाम है वहाँ पर, जो कि 24 घंटे रेडी रहती है. कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है. अनमेल्डन रजिस्टर करना है वो नाइन फागड हाउस लीजन. उसके बाद एक अपनी बाइक रेंट पे ले लेनी है लोस फागन, और उसके बाद आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ भी जाना है. वेन जी दास राज निश्ट में अब ब्रोकन सलिशन जी एस उन अब मेल्डन जिशकुश यूबर हांदी. इसका मतलब यह है कि जब आपको बाइक नहीं चाहिए तो उसको लॉक कीजिए और वापस रजिस्टर कर सकते फ़ोन से, ताकि ये बाइक ले जा सके. मतलब कि ये रेंट पर बाइक देते हैं, ऐसा कुछ इनका काम है. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ है रोलांड उन जाइन फ्रेंड पाउला फागन ग्याना उबान उन्ड बुस अबर मानशमा ब्राउकन जी आइन आउटो सुम बाइशपील फ्योर आउस फ्लूग अम वकन एंड ओडर फ्योर क्रोज आइन कोइफर. इसका मतलब है कि रोनाल्ड और उसकी गर्लफ्रेंड पाउला ये दोनों उबान या फिर बस से ट्रैवल करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है उनके पास कोई कार नहीं है, तो फिर अगर उनको एक्सकर्जन पे वीकेंड्स में या फिर कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी हो तो उनको दिक्कत हो जाती है. तो इसके साथ मैच कर रहा है एडवर्टीजमेंट एफ. यहाँ पे जी वोनन इन देयर स्टार्ट उन ब्राउकन आइगेंटलिश काइन आइगनेस ऑटो. इसका मतलब यह है कि आप सिटी में रहते हैं और आपको रियली अपनी खुद की कार खरीदने की ज़रूरत है नहीं. क्यों?
क्योंकि जी वॉलन आवर ये डिसाइड क्यों स्टे शुन फ्लेक्सिबल आइन आउट हो इन ईयर नेहर न्यूसन क्योंन। और क्या आप चाहते हैं कि आपको कम रेट पे फ्लेक्सिबल ऑटो मतलब किसी भी टाइम पे ऑटो मिल जाए? वी हबन दिल्यूजिंग, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। बुक ऑन जी फाग सॉय आलर आर्थ मीन्स अपनी व्हीकल किसी भी टाइप की व्हीकल बुक करें। मेल्डन जीजिश अन और उसके बाद रजिस्टर करें। फागन जी मिटियरा कुंडन काटा आइनफा क्लोज और सिंपली अपने कस्टमर कार्ड के साथ अपना ट्रैवल शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पे फियर फ्रेंड वॉलन एम वकन एंड सुजामन आई नाउस फ्लो इन दिया ब्याग आके। पांच फ्रेंड्स वीकेंड्स पे ट्रिप पे जाना चाहते हैं जिस पे वो माउंटेन ट्रैवल करना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सी। इसका मतलब यह है कि 29 यूरो की टिकट है, उसके साथ 5% पूरे दिन घूमने जा सकते हैं पूरे बवेरिया के अंदर। बायन को बवेरिया कहते हैं। दस टिकट किल्ट मॉन्टाग पिस फ्राइटाग, टिकट जो है वो वैलिड कब तक रहेगी? मंडे से फ्राइडे इन दियर साइट। और टाइमिंग क्या रहेगी? 9 बजे से 3 बजे तक। हुआ अम फॉलगे टाग मीन्स फॉलोइंग डे, कौन कौन से दिन? जैम्स टाग मीन्स सैटरडे, जॉन टाग एंड संडे। पब्लिक हॉलीडे जैसे कि 15 अगस्त है उस दिन भी वैलिड रहेगी रात के 12 बजे से। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी पार्ट है, वी पार्ट के अंदर जो भी यहाँ पे बॉक्स में सेंटेंसेज है वो हमें नीचे भरने हैं, तो ये वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। और जो भी ये सेंटेंसेज है ये बहुत ही अच्छे सेंटेंसेज है डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करने के लिए, जैसे कि ईश विंडेदास कूट, मेरे को ये अच्छा लगा वाइल बिकॉज, फिर अपना ओपिनियन बता सकते हो। तो ये वर्ड्स हो सके तो याद भी कर लेना क्योंकि काफ़ी काम आएंगे राइटिंग सेक्शन में भी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन के अंदर ये हमें पैराग्राफ रीड करना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। तो पैराग्राफ एक बार समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है कि समर के अंदर होया एक जॉब ढूंढ रहा था और उसको एक बढ़िया सा जॉब मिल गया था फ्रैंकफर्ट के अंदर, और वो उसके घर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको अपने स्मॉल टाउन में जो वो पहले जॉब कर रहा था उससे काफ़ी बेटर जॉब अब मिल गई है, और उसने ये जॉब को चूज़ किया है जो न्यू जॉब उसको मिली है। यस फागन एयर फ्यूनफमाल, और साथ में क्या है कि इसको हफ्ते में 5 बार ट्रैवल करना पड़ता है फ्रैंकफर्ट से लेके नॉयवेट तक और फिर वहाँ से बैक एंड, और एक साइड का ट्रैवल टोटल 2 घंटे लग जाता है उसको। उसके बाद ये कह रहा है कि टाइम इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके पास टाइम नहीं है, टाइम तो इसके पास है, लेकिन जो इसकी प्रॉब्लम है वो है साइड ट्रुक मीन्स टाइम प्रेशर। उसको हमेशा टाइम पे जाना पड़ता है नहीं तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी, और एक बार अगर ट्रेन छूट गई तो उसको 1 घंटे और वेट करना पड़ेगा तब अगली ट्रेन आएगी। और विंटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि टाइम पे रहे, इसकी वजह से क्या होता है कभी कभी वो ऑफिस भी लेट हो जाता है अगर कभी वो लेट आया और उसकी ट्रेन छूट गई तो। नेक्स्ट पैराग्राफ का मतलब यह है कि हायो और उसकी फैमिली को इन सरकमस्टांसिस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी हो जाए वो टिक के रहेंगे, साथ में उनके पास घर है, बच्चे स्कूल जाते हैं, और आयो उसकी फ्रेंड और उसकी वाइफ भी रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ का ये मतलब है कि उसको पेंडलन शून लगता है, मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि बीच में उसको टाइम मिल जाता है रीडिंग करने का, और उसको रीडिंग करना बहुत पसंद है। तो वो कभी कभी ट्रेन के अंदर साइटों न्यूज़पेपर या फिर बुक रीड कर लेता है, और कभी कभी अपना ऑफिस का काम कोई बच गया हो तो वो भी ट्रेन में बैठ के कर लेता है। तो इस पैराग्राफ का मतलब है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला है वी फील्ड किलोमीटर फ्याट हायो यडन टाग, हर दिन कितना ट्रैवल करता है ये? तो ए फ्याट यडन टाग 963 किलोमीटर हिन उन्जुरुक आल्जो इनगे जाम 562 किलोमीटर यडन टाग। इसका मतलब यह है कि वो 130 किलोमीटर जाता है और फिर वापस भी आता है, यानी कि टोटल वो 260 किलोमीटर हर डे ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है वी लांगे ब्राउट एयर डाफूर मीन्स कितना लंबा उसका ट्रैवल है? तो एयर ब्राउट फास्ट स्वास्थ टूडन फ्यूर आइनस ट्रैक है ओ द फैट मीन्स उसका ये जो पूरा ट्रैवल है वो टोटल 2 घंटे का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वाकूम वोंट एयर जो वाइट वेग फोन जाइनर आबाइट, इसका आंसर है एयर उन्ट एन साइना फैमिली म्योस्टर इन फ्रैंकफर्ट वो नन ब्लाइबन ओडर म्योस्टर नेस्ट उमजीहन, ये इसका आंसर है। उसके फोर्थ क्वेश्चन है वेल्श प्रॉब्लम गिफ्ट टेस्ट, कौन सी प्रॉब्लम है? तो फोर्थ का आंसर ये रहा ए मुस इमर पिंकलिश केहन
इन विंटर हावन जी ज्यूगा ऑफ्ट फर्श पेटू ओडा जिन दी ज्यूगा उन प्यंक्लिश एयर कॉम्ट ऑफ सुशपे सुर आबाइट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, वाश फिंडट एयर अंदर सत्वात्सियोन गुट एयर कान इम जोग ब्यूशन लेजन ओडा आबाइटन। सो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिसनिंग स्किल का है, जिनके पास सीडी है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। सिमिलरली 13B पार्ट बी लिसनिंग स्किल है। 14 क्वेश्चन है, ये हमारा पजल टाइप सॉल्व करने वाला है। तो ये 40B कोर्स बुक है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, तो ये वाला भी वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है R1 क्वेश्चन, तो जो ये करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर सकते हो कुछ डाउट्स हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, चीयर्स, बाय।